press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to study nomenclature from chapter number 5, Variety of Life of FSC Part 1 Biology book. जैसा कि हम जानते हैं कि ज़मीन जब मार से वजूद में आई और इस पे जब ह्यूमन बींग्स की एवोल्यूशन स्टार्ट हुई तो इंसानों ने आहिस्ता आहिस्ता महजब होना स्टार्ट किया. मुख्तलिफ किस्म की तहजीबें डायनेस्टीज हमें हिस्ट्री को अगर देखें तो सुनने में मिलती हैं, जिसमें अगर हम पाकिस्तान की ही एग्जांपल लें तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो वगैरह में जो आसार कदीमा है वहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि वो लोग किस तरह की लाइफ गुजारते थे और आपस में उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था. अगर हम ओल्ड केव्स को देखें, बहुत पुरानी गारों को देखें, क्योंकि स्टार्ट में इंसान गारों में ही रहते थे, केव मैन इनको कहा जाता था, तो वहाँ पर हमें मुख्तलिफ किस्म के साइंस दिखाई देते हैं और बेसिकली स्टार्ट में इसी सिग्नेचर लैंग्वेज को एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता था. फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकामी बशिंदों ने अपनी एक लैंग्वेज डेवलप कर ली. फिर जब उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर्स या इंटरनेशनल कम्युनिकेट करना था तो फर्दर जब लैंग्वेज के अंदर मॉडिफिकेशन होती चली गई तो आज हम देखते हैं कि कोई एक ख़ास लैंग्वेज है जिसे हम इंटरनेशनली रिकग्नाइज करते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में बशिंदे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलते हैं, इसके बावजूद वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो बेसिकली लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है. अब स्टार्ट में मुख्तलिफ किस्म के पौधे और जानवर थे और जो मुकामी लोग थे उन्होंने अपने ही इलाके में पाए जाने वाले इन्हीं पौधों को और जानवरों को अपनी ही जो रीजनल लैंग्वेज थी, जो मुकामी जुबान थी, उसमें मुख्तलिफ नेम्स दिए. एक्चुअली अगर हम नोमेनक्लेचर को देखें तो नोमेनक्लेचर का मतलब ही यही है, असाइनिंग नेम्स टू एनिमल्स एंड प्लांट्स और असाइनिंग नेम टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें अब हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं या नेम्स असाइन करने की बात करते हैं, तो इसमें वही जो प्री हिस्टोरिक टाइम से मोड ऑफ कम्युनिकेशन चलता आ रहा है, जिसमें जो हिस्ट्री अगर हम देखें ह्यूमन बींग्स की केवमैन से स्टार्ट होकर के और आजकल जो वाइज मैन है, तो उसमें लैंग्वेज की एवोल्यूशन के साथ साथ हमें मुख्तलिफ जो तब्दीलियाँ दिखाई देती हैं उनमें हमें ये भी पता चलता है कि हर इलाके में मौजूद ख़ास किस्म के पौधों के कुछ ख़ास किस्म के नाम हैं, इसी तरह जानवरों के भी कुछ ख़ास किस्म के नाम हैं. लेकिन ये तो कॉमन लैंग्वेज में इनके नेम्स हैं. अब इनको अगर इंटरनेशनली रिकग्नाइज करना पड़े तो फिर इन ऑर्गेनिज्म को हम किस कैटेगरी में कंसिडर करेंगे. इसमें मुख्तलिफ देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए और रीज़न क्या थी एक्चुअली साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की. इनकी मेन तीन रीजंस हैं. सबसे पहले तो डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिज्म. जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्तलिफ रीजन्स में उनकी अपनी एक ख़ास मुकामी बोली बोली जाती है, ज़ुबान बोली जाती है, तो इसी लिहाज से उन्होंने वहाँ पे जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज़म्स होंगे उनके भी नाम अपनी ही रीजनल लैंग्वेज में रखे होंगे. जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं अनियन, इंग्लिश में इसको अनियन कहते हैं. पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू और उर्दू में इसको कहते हैं प्याज. इसके अलावा अगर हम पंजाबी में या सराइकी में या दूसरी लैंग्वेजेस में देखें तो कहीं इसको गंडा भी कहा जाता है, वसल भी कहा जाता है, वसल भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली ओवरऑल अगर हम इंटरनेशनली रिकग्नाइज करें तो वो अनियन है. अब आपको अगर कहीं क्रॉस द बॉर्डर मूव करना पड़े एंड लाइक यू आर गोइंग टू सम इंग्लिश कंट्री और आप उन्हें जाके कहते हो कि मुझे प्याज चाहिए, तो दे डू नॉट अंडरस्टैंड. या आप कहीं पे अपना साइंटिफिक पब्लिकेशन, साइंटिफिक वर्क प्रेजेंट करने जा रहे हैं और आप कहते हैं कि जी मैंने प्याज पे काम किया है या वसल पे काम किया है या गंडे पे काम किया है, तो डेफिनेटली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑडियंस जो कि मुख्तलिफ इलाकों से आए होंगे टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आप बात किसके बारे में कर रहे हो. तो एक ही ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ नेम्स हैं. इसी तरह सेकंड जो प्रॉब्लम आ रही थी, वन नेम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे तो हमने देखा कि मुख्तलिफ नाम है एक ऑर्गेनिज्म का और यहाँ पे एक नाम है और ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ हैं. अब ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. जैसे अगर हम प्लांट्स में एग्जांपल लें ब्लू बेल की, तो ये ब्लू बेल में जितने भी बेल शेप फ्लावर्स हैं सभी को कंसिडर किया जाता है. अब एग्जैक्टली हम किस ब्लू बेल फ्लावर की बात कर रहे हैं कोई समझ नहीं आती. इसी तरह ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड को इंग्लिश में क्रो भी कहा जाता है.
अगर हम अपने पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू उसमें बात करें तो इसको कवा कहा जाता है, पंजाबी में इसको काम भी कहा जाता है। तो इसमें भी देखें कि मुख्तलिफ एक ही नाम है और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब ब्लैक बर्ड में हमारे पास क्राउन क्रो भी आ रहा है, रावन भी आ रहा है। फर्दर अगर हम देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम आ रहा था कि नो साइंटिफिक बेसिस फॉर अ कॉमन नेम, बस एक कॉमन नेम रख दिया, शायद उसको मूव करते हुए देखा। जैसे हम फिश की अगर बायोलॉजिकल डेफिनेशन देखें तो बायोलॉजिस्ट के नजदीक फिश क्या है, ये एक वर्टिब्रेट एनिमल है। वर्टिब्रेट एनिमल्स क्या होते हैं हम जानते हैं, उनके अंदर बैकबोन होती है। इसके साथ साथ क्योंकि हम फिश की बात कर रहे हैं तो हमें हम उसको डिफाइन करते हैं कि इसमें बैकबोन के साथ फिन्स भी हैं, गिल्स भी हैं। लेकिन अब सिल्वर फिश की एग्जांपल ले लें, अक्सर कपड़ों वगैरह की अलमारियों में ये देखने को मिलता है और ये बिल्कुल छोटा सा चींटी के जितना है, उससे थोड़ा सा बड़ा कीड़ा होता है। एक्चुअली इट इज एन इंसेक्ट, लेकिन उसकी मूवमेंट फिश की तरह, जिस तरह फिश बिल्कुल इस तरह से एस शेप या अंगुलेटिंग मूवमेंट शो करती है, तो उसकी मूवमेंट की बेस पे इसको कहा जाता है कि ये सिल्वर फिश है। सिल्वर एक्चुअली उसका कलर होता है, लेकिन वो कहीं से भी फिश नहीं है। कहीं उसमें बैकबोन नहीं है, कहीं फिन नहीं है, कहीं गिल्स नहीं हमें दिखाई दे रहे, कहीं उसका एक्वेटिक मोड ऑफ जो उसका हैबिटेट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट स्टिल इट इज सिल्वर फिश। इसी तरह क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है, ये कहीं से भी बायोलॉजिकल डेफिनेशन जो है फिश की उसमें फिटिंग नहीं होते, बट स्टिल दे आर हैविंग अ कॉमन नेम दैट दे आर ऑल फिश। तो यही वो सभी प्रॉब्लम थे जिनकी वजह से एक यूनिफाइड सिस्टम प्रपोज करने की जरूरत पेश आई, ताकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो नोन है, आइडेंटिफाइड हैं टिल येट, उनको एक यूनिफाइड सिस्टम के तहत नेम किया जा सके और सभी उसको उस साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग ही रिकग्नाइज करें। अब यही वजह थी कि जो कॉमन नेम थे वो काफ़ी अरसा दराज तक काफ़ी कन्फ्यूजन या मिसकंसेप्शन क्रिएट करते रहे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट रीजन्स में लेकर के। इसी दौरान एक स्वीडिश बोटानिस्ट ने 18th सेंचुरी में, उनका ईयर जो है दैट इज़ फ्रॉम 1707, लाइक बर्थ ईयर एंड डेथ ईयर इज 1778 व्हेन ही एक्सपायर्ड, इन्होंने एक जितने भी इनको ऑर्गेनिजम्स नोन थे, पर्टिकुलरली ये बोटानिस्ट थे, तो सभी प्लांट्स की इन्होंने एक लिस्ट बनाई और उनके करेक्टरिस्टिक की या डिस्कवरी की बेसिस पे उसको नेम करने का, क्लासीफाई करने का एक सिस्टम डिवाइस किया। इन्होंने लैटिन लैंग्वेज को यूज़ किया, क्योंकि अगर हम देखें तो आज जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सभी में कहीं ना कहीं पे चेंजेस हैं, लेकिन लैटिन या लातीनी ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान समझी जाती है कि जिसमें जिसको शायद बोलने वाले अब हैं नहीं, और उसमें उस तरह से एक्सेंट या जो वर्ड्स हैं उनमें तब्दीली रूनमा नहीं हुई। तो अगर देखा जाए तो ये ज़ुबान अनचेंज्ड थी, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया और इन लैटिन वर्ड्स को यूज करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिए और इसके साथ साथ जितने भी उनके कॉमन नेम्स थे उनको डिस्कार्ड कर दिया। अपनी फर्स्ट पब्लिकेशन के साथ ही कम अप इन 1753 विद द लिस्ट ऑफ प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स नोन टू हिम। अब इनका ये जो सिस्टम था इसको बायनोमियल नेम्स कहा गया और इसकी वजह ये थी कि इसमें जो साइंटिफिक नेम था बेसिकली उसके दो पार्ट्स थे, यानी कि जितने भी प्लांट्स को उन्होंने नेम किया उसके दो पार्ट्स थे और इन पार्ट्स की वजह या तो उस ऑर्गेनिज्म के कुछ मखसूस करेक्टरिस्टिक्स थे या जिस पर्सन ने उनको कलेक्ट किया उसके नेम की बेस पे इन प्लांट्स को नेम किया गया, साइंटिफिक नेम दिया गया। अब ये सिस्टम इतना वाइडली स्प्रेड हुआ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहते हैं कि आग की तरह ये फैल गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बिल्कुल इसके 5 साल के बाद ही, यानी कि 1753 के बाद 1758 में एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स की भी एक लिस्ट पेश कर दी गई। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल सीनियस, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें नाम के दो हिस्से होंगे जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी, जिसमें लास्ट एंड सेकंड लास्ट जो लेवल है क्लासिफिकेशन में वो जीनस एंड स्पीशी है। अब इस साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट पार्ट है वो उस क्लासिफिकेशन का सेकंड लास्ट स्टेप है, दैट इज जीनस और जेनरिक लेवल। जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा,
सेकेंड पार्ट जो कि जीनस के बाद आता है वो है स्पीशीज। स्पीशीज स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अब इसकी जो बेसिस है वो अगर हम देखें तो स्टार्ट में तो प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो शेप थी या जो मॉर्फोलॉजी थी, जो अपेयरेंस थी, उसकी बेसिस पे इनको नेम किया गया। लेकिन नॉलेज में जैसे जैसे एडवांसमेंट होती चली गई, मॉडिफिकेशन होती चली गई, तो उसी के साथ साथ इस नॉमनक्लेचर सिस्टम को भी, बिलखसूस बायनोमियल नॉमनक्लेचर सिस्टम को भी मॉडिफाई किया गया। और ये मॉडिफिकेशन साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, मोलेकुलर बायोलॉजी और दीगर जितनी भी बायोलॉजिकल स्टडीज में एडवांसमेंट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए किया गया। अब अगर हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम की एग्जांपल लें जिनमें अनियन, अमलतास, मैन यानी कि हम खुद, पोटैटो एंड ब्रिंजल शामिल है। अब देखते हैं कि इनका नेम हमने किस तरह से लिखना है। जैसे हमने कहा कि पहला नेम होगा जीनस, तो यहाँ रेड कलर में जितने भी आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी इनके नेम के साइंटिफिक नेम में जीनस पार्ट है। और उसके बाद सेकंड जो है पार्ट, दैट इज स्पीशीज, तो जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है वो सभी स्पेसिफिक लेवल है और स्पीशीज है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ नेम्स को तो ग्रीन कलर से अंडरलाइन किया है जबकि कुछ को नहीं किया, और वो आम जो मैंने राइटिंग लिखी हुई है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ, बिल्कुल टेढ़े टेढ़े या लेटे लेटे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेटे लेटे से लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। साइंटिफिक नेम लिखने का एक तो तरीका ये है कि पहला जीनस होगा, दूसरी उसकी स्पीशी होगी। उसके साथ साथ जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और स्पीशी का फर्स्ट लेटर स्मॉल आएगा। और तीसरा मेन है कि आपने इसको अंडरलाइन करना है। अगर तो आप इसको कैजुअल लैंग्वेज में लिख रहे हैं यानी कि आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इसको लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सभी स्टैंडिंग वर्ड्स लिख रही हूँ, तो आप इसको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, एलियम को अलग यानी जीनस को अलग और स्पीशीज को अलग। और ये लाइन एक सिंगल लाइन होनी चाहिए, अनब्रोकन लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये दरमियान से ब्रेक होनी चाहिए। आप जीनस और स्पीशी को इकट्ठे एक लाइन के साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे, जीनस के नीचे मुकम्मल एक लाइन लगाएंगे, स्पेस देंगे एंड देन स्पीशीज के नीचे अलग लाइन लगाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका दूसरा तरीका होता है, अगर आप अंडरलाइन नहीं करते तो आप इसको इटैलिक कर देते हैं, और इटैलिक मोड अगर आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल में देखें तो उसमें आपको बड़ा ही क्लियर नजर आएगा कि वो जो अगर आप एक रूटीन में सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें बिल्कुल एक अलग थलग वो दिखाई दे रहा होता है, जिसमें वर्ड्स काफी एक तरफ को झुके हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैन का नेम मैंने इटैलिक लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, जिसमें होमो सेपियंस जीनस स्पीशी। अब क्योंकि हमने इसको इटैलिक लैंग्वेज में लिखा है तो अब इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी हमें टेक्स्ट से मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह पोटैटो का नाम सोलेनम ट्यूबरसम है, इसको भी इटैलिक में लिखा है, और इसको क्लियर करने के लिए मैंने दोबारा से यहाँ पे स्टैंडिंग लेटर्स के साथ या स्ट्रेट लैंग्वेज के साथ लिखा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। सोलेनम जीनस है, ब्रिंजल की अगर हम बात करें, और मेलेंगा इसकी स्पीशी है। तो आप इस तरह से इनको अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं या इटैलिक भी लिख सकते हैं। बेहतर है कि आप इसको स्टैंडिंग लेटर्स के साथ अंडरलाइन करके लिखिए, क्योंकि बार दफ़ा फ्लो में एग्जाम या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए इतना टाइम नहीं होता और आप स्टैंडिंग लैंग्वेज में ही लिख जाते हैं और वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होता कि आपने यहाँ पे साइंटिफिक नेम मेंशन किया है या एक नॉर्मल सेंटेंस रूटीन में लिखा है। तो बेहतर है कि आप इसको अंडरलाइन करें, और ये याद रखना है कि पहला जीनस है, दूसरा स्पीशी है। जीनस कैपिटल लेटर बड़ी एबीसी से शुरू होगा और स्पीशीज छोटे लेटर, स्मॉल लेटर या छोटी एबीसी से स्टार्ट होगा। आर्टिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन बायनोमियल नॉमनक्लेचर, ऑल्सो राइट इट्स रूल्स। तो इसकी हमने डेफिनेशन भी देखी और इसके रूल्स भी देखे कि जीनस, स्पीशी उसको किस तरह से लिखना है और उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो क्या होगा, कैपिटल लेटर कहाँ आएगा, स्मॉल लेटर कहाँ आएगा। उसके बाद जो हमने साइंटिफिक नेम्स की एग्जांपल ली वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है और रिपीटेडली मस्ट पूछा जाता है। इसलिए आपने आज के हमारे टॉपिक में जितने भी साइंटिफिक नेम्स हमने 5 एग्जांपल ली उन सभी को आपने रिमेंबर बाय हार्ट कर लेना।
जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।